निरञ्जल प्रवाह पाविकस्तरी कलेवलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गं कपालिकां पिछले 10 से 12 सालों से हम सक्रिय होकर इस कार्य में भाग ले रहे हैं और शिव शंभु मंदिर ट्रस्ट वाले पूरे ही श्रद्धा भाव से ही काम करते हैं। हमारे नगर सेवक काशीनाथ पवार साहब, विजय माने साहब, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ खिचड़ी वाटप, पानी वाटप, ये सब कार्यक्रम तो करते ही हैं। लेकिन पिछले साल ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन शिव शंभू मंदिर के ट्रस्ट वालों ने अपनी मर्यादा कायम रखी। उन्होंने इसी प्रकार मंदिर को सजाया, इसी प्रकार वो किया, पर आम लोग उसमें हिस्सा नहीं ले सके, भक्तजन। लेकिन ये बार उनका उत्साह मैं देख रहा हूँ कि दुगना हुआ है, क्योंकि पिछली बार का कार्यक्रम ना होने की वजह से ये बार उनका उत्साह पूरा दुगना है। और मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस समय इस लाइन में उपस्थित हैं दर्शन के लिए या फिर घर से प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव उनकी मनोकामना को पूर्ति करें। और कोरोना काल का जो समय है अब लगभग अंतिम उसमें चरण में आ चुका है, तो मालिक उसको भी ख़त्म करें। आज प्रभा क्रमांक 36 की ओर से महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़े तौनात पे आज यहाँ पे आज एक उत्सव ही बताया जाता है कि बहुत सालों के बाद ये आज एक उत्सव आप लोग देखेंगे कि कैसे लोगों का प्रोत्साहन यहाँ पे है। और दूसरी सच में बोलेंगे तो भगवान को मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं खूब खुश नसीब हूँ कि मुझे पवार साहब के साथ ऐसे साथ मिला है। और भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे जाके जो चुनाव आएगा उसमें हमें अच्छी तरीके से भगवान हमें आशीर्वाद दे, यही मैं ये दिन बोलना चाहती हूँ। हम सबके तरफ से सबके लिए ही हम खुश नसीबी समझते हैं और सबके लिए हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबका अच्छा करे। हम सबके लिए मांगते हैं, इसलिए हमारे भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। गेल्या 2 वर्षापासून इथे महाशिवरात्रीचा उत्सव होऊ शकला नाही, त्या याच्याप्रमाणे त्या बऱ्याच म्हणजे 2 वर्ष लोकांना शिवशंभूचं दर्शन झालं नाही, त्या निमित्ताने आज लोक तुटून नाहीतर इथे 1-2 वाजेपर्यंत लोकांची गर्दी खूप कमी असते, पण यावर्षी तसं झालं नाही आहे। लोक अगदी खूप प्रेमाने श्रद्धेने शिवशंभूचं दर्शन घेण्यासाठी सकाळपासून बघतो मी, 7 वाजेपासून इथे लोकांची तुडुंबाशी गर्दी आहे। आणि आम्ही इथे शिवशंभू ट्रस्ट नेरुळगाव हे दरवर्षी इथे मोठ्या उत्साहाने आज महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा करत असतात, आणि आम्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये छोटासा आमचा एक लोकांना पब्लिक जवळ 4-5 हजार लोक इथे दर्शनासाठी भाविक येत असतात, त्यांच्यासाठी आम्ही अल्पवारचा कार्यक्रम जवळ 10-12 वर्षापासून करत असतो। त्यामध्ये आमचे अरविंदर सिंग साहेब असतील, शहर प्रमुख विजय माने असतील, तसेच आमचे सर्व पक्षाचे पदाधिकारी, युवासेनेचे पदाधिकारी, महिला आघाडी आमच्या सर्वच इथे भाग घेतात आणि हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहाने इथे आम्ही पार पाडतो। एवढंच सांगू इच्छितो का जी करोनाची ही महामारी होती ही देशातनं महाराष्ट्रातनं पूर्ण नष्ट होऊ दे आणि शिवशंभो सर्वांना चांगलं आयुष्य देवो अशी मी आई जगदंबेचरणी प्रार्थना करतो। शिवशंभोला एवढंच सांगेल, शंभो आपलं शंकरा सर्वांना चांगली सद्बुद्धी दे आणि करोना मुलासकट नष्ट होऊ दे आणि सर्वांचं आरोग्य चांगलं राहू दे।